नमस्कार दोस्तों, करियर फाइल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की। ये टॉपिक एमकॉम, एमबीए, यूजीसी नेट पेपर वन एंड पेपर टू के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो फर्स्ट पेपर में ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में आता है, वहीं सेकेंड पेपर में अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एस्पिरेंट हैं तो ये आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट सिंपली मींस कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक नंबर या सिंबल असाइन करते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल एलिमेंट्स का नहीं होता है, जैसे टैंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स, बुक्स एक्सेट्रा, और इसको मेजरमेंट हम इनटैंजिबल्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीफ को भी हम मेजर कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें एक इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, तो हमने असाइन किया है कि अगर वन है तो दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड फाइव है तो दैट इज लीस्ट प्रॉफिटेबल। मीन्स हम मेजर करने के लिए, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में आप कम या ज्यादा देख सकते हैं, मगर अगर सैलरी कम या ज्यादा है इस पे लोगों का क्या ओपिनियन है, एम्प्लॉयज का क्या ओपिनियन है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मीन्स इनटेंजिबल्स को भी देख सकते हैं। मेजरमेंट स्केल्स क्या होता है? मेजरमेंट स्केल्स है कि किस बेसिस पे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे आप मेजर करेंगे, वो मेजरमेंट स्केल्स है। चार तरीके के स्केल्स होते हैं और सबकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि ये किस चीज को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए कितना सुटेबल है। अगर हम मेजरमेंट स्केल की बात करें तो फर्स्ट टाइम स्टेनली स्मिथ स्टीफेंस ने इसको डेवलप किया था 1946 में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको पूछा जा सकता है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनल, सेकेंड इज ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड देन रेशियो स्केल। जैसे जैसे हम नॉमिनल से रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता है। मीन्स नॉमिनल में सबसे लीस्ट इंफॉर्मेशन होती है, वहीं रेशियो स्केल इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव। अभी जब हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। नॉमिनल स्केल, एज द आप इससे क्या समझ रहे हैं, नॉमिनल मीन्स नेम, यहाँ पे सिर्फ है आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। मीन्स आप यहाँ पे क्या करते हैं, नॉमिनल स्केल में नेमिंग किया जाता है, एक लेवल दिया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन उसका कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सबसे लीस्ट इंफॉर्मेशन होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीकेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। और नॉमिनल स्केल हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि टू और मोर एलिमेंट्स कैनॉट ऑकर एट द सेम टाइम। अगर ए होगा तो बी नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड होगा या टेल्स होगा, मगर दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल, अगर हम नॉमिनल स्केल की बात करें तो कलर ऑफ आई, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। अगर ब्लू होगा तो ग्रीन नहीं हो सकता, ब्राउन होगा तो ब्लू और ग्रीन नहीं हो सकते। डिड यू फाइल एन इंश्योरेंस क्लेम लास्ट ईयर, येस और नो। येस होगा तो नो नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ आप कैटेगराइज कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं, डेल, एचपी, लिनोवो, एप्पल और असुस। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, जैसे डेल को हमने 1 दे दिया, एचपी को 2 दे दिया, लिनोवो को 3, एप्पल को 4 एंड असुस को 5। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डेल अगर 1 है तो वो बेस्ट है एंड असुस अगर 5 है तो वो सही नहीं है। मीन्स नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे जेंडर, मेल और फीमेल, मेल को हमने दिया 1, फीमेल को 2, तो 1 डजंट मीन कि वो बेहतर है या 2 डजंट मीन कि वो डबल ऑफ 1 है। सिर्फ हम इसको क्वांटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट बिकॉज कि हम इसको सिर्फ क्वांटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वो है फ्रीक्वेंसी। मींस मेल कितनी बार है, तो जितनी बार 1 होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक ऑर्डर की बात होती है। कंपेयर टू नॉमिनल स्केल, द ऑर्डिनल स्केल रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गर लेवल ऑफ मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि नॉमिनल में सिर्फ नेम और लेवलिंग हो रही थी, ऑर्डिनल स्केल में आप उसको रैंक कर पा रहे हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है, जो आप नॉमिनल में नहीं कर सकते थे। लेकिन
यहाँ पे क्या है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि अगर ज्यादा और कम तो आपको पता है, मोर और लेस तो आपको पता है, मगर कितना ज्यादा है कितना कम है ये आप नहीं बता सकते। ऑर्डिनल स्केल में ये सिर्फ रैंकिंग बताता है, ठीक है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये आप नहीं बता सकते। रैंकिंग्स कैन रिफ्लेक्ट अ रिलेटिव डिफरेंस बट डू नॉट इंडिकेट हाउ लार्ज द डिफरेंस इज, वही जो मैंने अभी आपको बताया। ऑर्डिनल डेटा कैन बी ट्रीटेड एट नॉमिनल, ऑर्डिनल में नॉमिनल की प्रॉपर्टीज है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनल इज नॉमिनल, हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, बट नॉमिनल ऑर्डिनल नहीं हो सकता। इससे भी आपको कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, कौन सी ऑटोमोबाइल, कौन सी गाड़ी आप फोर व्हीलर आप यूज करते हैं, मिनी यूज करते हैं, सेडान यूज करते हैं, एसयूवी यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपने मिनी यूज कर रहे हैं या इन दोनों में से कोई भी, बट आप ये नहीं बता सकते कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे अगर हम सर्विसेज को, होटल के सर्विसेज को रेट करने का क्वेश्चन आता है, तो एक्सीलेंट को हमने 1 दिया है, 2 इज गुड, 3 इज फेयर, 4 इज पुअर। अगर किसी ने 1 दिया है, किसी ने 2 दिया है, मगर ये हम नहीं बता सकते कि एक्सीलेंट और गुड के बीच में कितना डिफरेंस है, वो प्रिसाइज डिफरेंस आपको नहीं पता होता। बट हाँ आप कह सकते हैं कि एक्सीलेंट ज्यादा बेहतर है, रैंकिंग में फर्स्ट है, मीन्स आप यहाँ पे सिर्फ रैंक कर पा रहे हैं, डिफरेंस नहीं। हाउ ऑफन डू यू गो टू थिएटर्स, 1 इज फ्रीक्वेंटली, 2 इज समटाइम्स, 3 इज रेयरली, 4 इज डू नॉट गो। तो अगर आप सिलेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली या फिर आप सिलेक्ट करते हैं समटाइम्स, तो हम ये नहीं बता सकते ऑर्डिनल स्केल में कि फ्रीक्वेंटली एंड समटाइम्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, इससे भी आपको यूजीसी नेट डीआरएफ में क्वेश्चन मिल सकते हैं। नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आपको नेक्स्ट जो हमारे टू है स्केल्स है, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंटरवल स्केल, नॉमिनल में नेम था, ऑर्डिनल में एक ऑर्डर पता चल रहा था, मगर डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। यहाँ पे आपको ऑर्डिनल स्केल के कंपैरिजन में ऑर्डर भी पता चल रहा है एंड डिफरेंस भी पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इन इंटरवल स्केल यू नॉट ओनली नो वेदर डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज आर बिगर और स्मॉलर, बट यू ऑल्सो नो हाउ मच बिगर और स्मॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान देनी है। ऑर्डर आपको पता चल रहा था ऑर्डिनल में, इंटरवल में आपको एग्जैक्ट इंटरवल पता चल रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है कि दोनों कितने बड़े और कितने छोटे हैं। इट ऑल्सो अस्योर्स दैट द डिफरेंस बिटवीन स्केल वैल्यूज आर इक्वल। यहाँ पे इंटरवल स्केल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो में जो डिफरेंस होगा, दो जैसे एग्जाम्पल टाइम एंड टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपको 10 डिग्री है या फिर 20 डिग्री है या फिर 60 और 70 डिग्री, तो 10 और 20 के बीच में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आपको 60 एंड 70 के बीच में भी होगा। बट आप ये नहीं कह सकते कि अगर 10 से ज्यादा 20 है, इक्वल इंटरवल आपको पता है, बट यू कैनॉट से कि 20 डिग्री मींस कि आज 10 डिग्री से डबल टेम्परेचर है, मींस ये आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इंटरवल स्केल जो प्रॉपर्टी लैक करती है वो है यहाँ पे मीनिंगफुल जीरो नहीं होता, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री is twice as hot as 10 degrees. ये quantitative data को measure करता है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, ordinal and nominal qualitative data को measure करता है. Next is ratio scale. Interval में ordinal की भी property थी and nominal की भी property थी. Same उसी तरीके ratio में interval की properties होती है, ordinal की properties होती है and आपको nominal की भी properties होती है. Which means ratio scale में आपको सबसे ज्यादा information मिलती है. तो आप कह सकते हैं कि it is most informative, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। रेशियो स्केल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द स्केल्स एज वेल एज द ट्रू जीरो। ये ट्रू जीरो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरवल स्केल में एग्जांपल था टेम्परेचर का, टाइम का, 4 से 5 के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, 7 और 8 के बीच में भी 1 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन वहां पे कोई जीरो पॉइंट नहीं, वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक प्रिसाइज ओरिजिन होती है रेशियो स्केल में, इस वजह से यहाँ पे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं जो कि आप अभी तक लास्ट 3 जो स्केल्स हमने देखे उसमें आप नहीं कर पा रहे थे। अगर आपको सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेंट्री लेवल, वेट, वॉल्यूम, हाइट, सब कुछ रेशियो स्केल्स के एग्जांपल्स हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जहां भी जीरो से आप कर सकते हैं वो आपका रेशियो स्केल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नेट में मिलेंगे। एक एक रिविजन करते हैं, कॉम्पिटिशन देखते हैं कि चारों स्केल्स में क्या डिफरेंसेज है। जैसे नॉमिनल स्केल में सिर्फ आइडेंटिटी पता चलती है, मीन्स नेम, ऑर्डिनल में ऑर्डर पता चलता है, मगर डिफरेंस नहीं। इंटरवल
इंटरवल स्केल में आपको नेम भी है एंड ऑर्डर भी है एंड इक्वल डिफरेंसेस भी है। रेशियो में आपको नंबर भी है, इक्वल डिफरेंसेस भी है। ठीक उसी तरीके से अगर हम नॉमिनल में देखें तो इसमें कोई ऑर्डर और डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, ये तो पता चल रहा है कि हाँ रैंकिंग आप कर पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 पे, बट 1 और 2 में कितना डिफरेंस है आप ये नहीं बता सकते। इंटरवल में इक्वल डिफरेंसेज है, रेशियो में भी इक्वल डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रॉपर्टीज नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल में है वो सारी प्रॉपर्टीज रेशियो में भी है। नॉमिनल में कोई ओरिजिन नहीं होता, ऑर्डिनल में भी कोई ओरिजिन नहीं होता, इंटरवल में भी कोई ओरिजिन नहीं होता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेशियो में जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रू जीरो की। ये जीरो से स्टार्ट होता है, मींस नॉमिनल स्केल पे आपको सबसे लो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, रेशियो स्केल पे आपको सबसे हाई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको रेशियो स्केल के थ्रू मिल रही है एंड ये आपको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पा रहे हैं नॉमिनल में, लेकिन यहाँ पे आप सब कुछ कर पा रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।